कैप्स, वोर्ड्स, ये सारे भी बैरियर्स होते हैं जो कि रबर के बने हुए होते हैं, और इन्हें हम इंसर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कवर करने के लिए सर्विक्स को कोइटस के टाइम पे, और ये प्रिवेंट कर देते हैं एंट्री स्पर्म्स की, और ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स जो है वो यूज किए जाते हैं इनके साथ, जो कि इंक्रीज कर देते हैं इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंट्रायूटराइन डिवाइसेस के बारे में। ये जनरली तीन टाइप्स के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। जो नॉन मेडिकेटेड है उसके एग्जांपल है लाइपेज लूप, और मेडिकेटेड यानी कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज के एग्जांपल है प्रोजेस्टर सर्ट और LNG20, और जो कॉपर रिलीजिंग है उसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और ये जो आईओडीज है ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस को भी स्पर्म्स की यूट्रस में, और कॉपर रिलीज करते हैं ताकि सप्रेस कर सके स्पर्म की मोटिलिटी को और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी। जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज हैं वो यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल यानी कि जो स्पर्म्स हैं उनका एग को रिच करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया में।